वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो एसोसिएशन। सो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रिटेनिंग वॉल को पढ़ते चले आ रहे थे, फर्स्ट लेक्चर में मैंने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताई थी, सेकंड लेक्चर में उसी को हमने आगे बढ़ाया था। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताने वाला हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो ये न्यूमेरिकल है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके जरूर इसको पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल का अगर मैं फिगर बनाऊं तो कुछ इस तरह बनेगा। जो वैल्यूज गिवन हैं हमें वो हैं, मैंने डाइमेंशनिंग यहां पर कर दी है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो यहां पर जो फाई है हमारा दैट इज 30 डिग्री, जो भी क्वेश्चन में दिया है वो मैं लिख दे रहा हूं। म्यू है 0.5, गामा एस है यूनिट वेट ऑफ सॉइल दैट इज 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड एस बी सी सॉइल बेयरिंग सेफ बेयरिंग कैपेसिटी है 160 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये चीज़ें हमें गिवन हैं, तो इसी के बेस पर हम अगर सॉइल प्रोफाइल बनाते हैं, तो ये पूरा डाइमेंशनिंग है, तो सॉइल प्रोफाइल अगर मैं बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सॉइल है वो 15 डिग्री के एंगल पर है, तो जो बॉटम ऑफ द स्लैब है, ये जो बेस स्लैब है, इसके यहाँ से मैं एक 15 डिग्री के एंगल पर एक लोड प्रोफाइल बना लेता हूँ। सिंपल, लोड प्रोफाइल बन गई। अब इससे आ रहा है लोड, तो देखिए यहां से इस पोर्शन से बेस ऑफ द स्लैब तक की जो हाइट है इसको मैं मानता हूं कैपिटल एच डैश। तो इसका जो बेस होगा ये फॉर्मूले से होगा के ए गामा एस एच डैश। ये कैसे है आप लोग प्रीवियस लेक्चर अगर देखा होगा तो आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां पर हमें जो ये दी हुई है इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं। यहां पर हमें अब वेट लेना है, तो वेट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम W1 लेंगे, और W1 हम कितना लेंगे, यहां से ये पूरा पोर्शन, दिस इज कॉल्ड W1। कौन सा, ये पूरा एरिया रेक्टेंगल, ये पूरा रेक्टेंगुलर एरिया है मेरे लिए W1, फर्स्ट वेट। सेकंड जो हम लेंगे दैट इज W2, ये ट्रायंगल जो है दैट इज W2, ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है 15 डिग्री वाला ये लेंगे। देन W3 की अगर मैं बात करूं तो ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है इसको हम लेंगे W3, और यहां पर देखिए यहां पर जो ये पोर्शन है जो ट्रायंगुलर है, ये ट्रायंगुलर को हमने अभी तक सॉइल मानकर लिया है W1 में, लेकिन ये एक्चुअली तो है कंक्रीट, तो उस वेट को हम लेंगे W4। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे मैं अभी आपको समझाऊंगा। और जो बेस स्लैब है इसको मैं मान लूंगा W5, ठीक है। अब इसमें जो ये जो इसकी प्रोफाइल है, तो जो लोड एक्ट करेगा उसका रिजल्टेंट दैट इज PA वो 15 डिग्री के एंगल पर होगा, क्योंकि जो लोड एक्ट कर रहा है वो 15 डिग्री पर एक्ट कर रहा है। तो लोड प्रोफाइल अगर मैं बनाता हूं तो PA यहां पर एक्ट करेगा, तो इसके बेस पर हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, देखिए सबसे पहले हमें निकालना है KA, दिस कम्स एज इसका फॉर्मूला है कॉस थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाई इंटू कॉस थीटा। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करेंगे।
तो जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहां पर आएगा हमारे पास कॉस 15 डिग्री माइनस अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय, क्योंकि थीटा की वैल्यू जो है हमारी 15 डिग्री है और फाई की वैल्यू जो दी हुई है वो हमारे पास दी हुई है 30 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइंटिफिक कैलकुलेटर रखना सबको ज़रूरी है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे के ए की वैल्यू आएगी दैट विल बिकम 0.373। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। अब जो टोटल हाइट है, जो टोटल हाइट है ये पूरी एच डैश, जो कैपिटल एच डैश मैंने यहां पर ली है, ये हमें निकालनी है। तो देखिए यहां तक की जो हाइट है ये तो है 4 + 1.25। अब हमें निकालनी है ये वाली हाइट, ठीक है, ये वाली हाइट। और ये कैसे है, अगर मैं tan थीटा ले लूं, tan थीटा, तो हमारे लिए वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ध्यान से, h डैश के लिए फिगर को रेफरेंस देते जाइएगा, 4 + 1.25 + 1.85 tan थीटा या फिर tan 15 डिग्री। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो मेरे पास वो हाइट आ जाएगी, ये जो वैल्यू है ये पूरी हाइट आ जाएगी, है ना, लंब बटे आधार से या परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, ठीक है। तो ये हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 5.74 मीटर। तो हमारी जो पूरी हाइट है दैट विल बिकम 5.74 मीटर। अब हम निकालेंगे डिस्टर्बिंग फोर्स। डिस्टर्बिंग फोर्स प्रीवियस लेक्चर मैंने क्या बताया था, PA cos थीटा। तो PA, तो देखिए फिगर में यहां पर PA, ठीक है, ये लग रहा है cos थीटा वाला एलिमेंट हम ले रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये यहां पर लग रहा है, ये पूरा बड़ा सा ट्रायंगल है, तो अगर ट्रायंगल का एरिया मैं निकाल लेता हूं तो देखिएगा ध्यान से, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या लिया था मैंने, के ए गामा एस इंटू एच डैश स्क्वायर, ठीक है, और कॉस थीटा, हाफ बेस इंटू हाइट से, यहां से हाफ इंटू के ए 0.373 अभी हमने निकाला है, के ए की वैल्यू, गामा एस दिया हुआ है 16 और हाइट अभी हमने निकाली है 5.74 स्क्वायर इंटू कॉस 15 डिग्री, ठीक है, कॉस 15 डिग्री का स्क्वायर है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 94.96 किलो न्यूटन। दिस इज माई डिस्टर्बिंग फोर्स। यहीं पर अगर डिस्टर्बिंग फोर्स की बात आ रही तो यहीं पर मैं इसका साइन वाला एलिमेंट भी निकाल लेता हूं, ये पी ए कॉस थीटा था तो जो हमें आगे जरूरत पड़ेगी, है ना, तो पी ए साइन थीटा अगर मैं निकाल लूं तो यहां से भी आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, बस यहां पर साइन थीटा, ठीक है, सॉरी कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस थीटा, तो यहां पर आ जाएगा हाफ, इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है, तो कॉस थीटा, तो यहां पर हाफ बेस 0.373 × 16 × 5.74 का स्क्वायर × sin का एलिमेंट हम निकाल रहे हैं, तो sin 15 डिग्री। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 25.44 किलो न्यूटन। साइंटिफिक कैलकुलेटर साथ में रखिएगा, सॉल्व करते चलिएगा। ये मेरे पास आ गया डिस्टर्बिंग फोर्स। जब डिस्टर्बिंग फोर्स आ गया, अब मैं निकालूंगा डिस्टर्बिंग मूवमेंट। सो दिस इज डिस्टर्बिंग मूवमेंट। तो ध्यान समझिए,
डिस्टर्बिंग मूवमेंट जो इसको प्रोवाइड करेगा तो वो होगा हमारे पास, फॉर्मूला मैंने लिखाया था, पी ए कॉस थीटा किस हाइट पर प्रोवाइड करता है, मैंने बताया था एच डैश बाई थ्री, एच बाई थ्री पर लगता है, जो डिस्टर्बिंग मूवमेंट लगता है वो एच बाई थ्री पर लगता है। तो पी ए कॉस थीटा हमने निकाल लिया था 94.96 इंटू एच डैश कितना है 5.74 डिवाइडेड बाई 3, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 181.69 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, ये आ गया। अब हम एक टेबल बनाएंगे, हमें अब निकालना है रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोरिंग मूवमेंट अबाउट टो, टो से हम रिस्टोरिंग मूवमेंट निकालेंगे। तो रिस्टोरिंग मूवमेंट अबाउट टो के लिए हमें एक टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी, जो टेबल कुछ ऐसी बनेगी, फोर्स डिस्टेंस फ्रॉम टो और ये मूवमेंट, यहां पर हम निकालेंगे मूवमेंट, ये मूवमेंट है, ठीक है। तो इसको हमको बनाना है, टेबल रहेगी एक, ये कुछ इस तरह से मैं बना देता हूं, देखिएगा, ठीक है। अब ये टेबल देखिएगा, सबसे पहले यहां पर फिगर देखना है हमें, जो हमने फिगर लिया था। अब W1, W2, W3, W4, तो W1 का एरिया देखिए क्या होगा, ठीक है, एरिया और जो वो हमें निकालना है, ठीक है, एरिया के हिसाब से। तो देखिए, तो W1 के लिए, तो W1 W1 विल बी इक्वल टू, हाइट कितनी है 4.83, विड्थ कितनी है 1.85 इंटू वन, क्योंकि एक मीटर के लिए वो नीचे की जो लेंथ है यहां देखिए, और इंटू 16, ये यूनिट वेट ऑफ सॉइल दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए क्या क्या मैंने मल्टीप्लाई किया, W1 हाइट कितनी है 4.83, क्योंकि ये हाइट 420 दी है, इसमें माइनस कर दीजिए तो 4 प्लस, तो आ जाएगा हमारा 4.83 यहां तक की लंबाई। अब विड्थ जो है 1.83, ये हमने कैसे निकाला, यहां से निकाला, ये 1.55 थी, यहां तक आ गए, कितना 150 दिया हुआ है, 1.55 प्लस 0.45 माइनस 150 हम करेंगे तो 1.85 आ जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि एक मीटर के लिए हम डिजाइन करते हैं रिटेनिंग वॉल, तो जो उसकी लंबाई होगी वो एक मीटर होगी और 16 उसका यूनिट वेट दिया हुआ है। इसी तरह इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 143, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं W2 देखूं, देखिए W2 क्या हो रहा है, देखिए ट्रायंगल है, ऊपर का जो लोड है ये ट्रायंगुलर पोर्शन है, ये क्या है, एक ट्रायंगुलर पोर्शन है, तो हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, हाफ बेस 1.85 इंटू हाइट 1.85 इंटू 10 15, वही 1.85 इंटू 10 15 उसकी हाइट आ जाएगी, और एक मीटर के लिए हम लोग करेंगे और यूनिट वेट ऑफ सॉइल होता है 16, तो इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 7.3। सिमिलरली W3, ठीक है, W3 अगर मैं देखूंगा तो यहां पर देखिए ये सिंपल रेक्टेंगल है, सिंपल रेक्टेंगल लेकिन कॉन्क्रीट है, ये ध्यान रखिएगा, तो यहां पर यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट जुड़ेगा, तो रेक्टेंगल है 4.83 इंटू 0.15, 150 mm की चौड़ाई है एंड 1 मीटर के लिए हम कर रहे हैं, और कॉन्क्रीट का यूनिट वेट कितना होता है 25 होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.1 वैल्यू आएगी। सिमिलरली W4,
तो W4 देखिए कहां पर है, ये W4। अब यहां पर देखिए ट्रायंगल वाला पोर्शन है, ठीक है, ट्रायंगल, तो हाफ बेस इनटू हाइट रहेगा, हाफ बेस इनटू हाइट रहेगा, तो हाफ इनटू 0.3 इनटू 4.83 इनटू 1 मीटर के लिए। लेकिन अब मुझे बताइए, एक पोर्शन है जो कंक्रीट भी है और सॉइल भी हमने क्रिएट माना है, सॉइल का वेट ज्यादा होगा, कंक्रीट का वेट ज्यादा होगा, कंक्रीट का ज्यादा होगा, तो कंक्रीट में अगर हम सॉइल घटा दें तो डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो वही हम करेंगे, कंक्रीट के यूनिट वेट में से सॉइल के यूनिट वेट को घटा देंगे, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.5। समझ गए, ये वाला सिंपल था। और जो लास्ट है हमारे पास W5, वो नीचे वाला बेस स्लैब है, तो सिंपल 3 इंटू 0.42 इंटू 1 इंटू 25 क्योंकि कंक्रीट का है, वो पूरा रेक्टेंगल है, 3 इंटू 0.42, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 31.5, ठीक है। अब सिमिलरली ये आ गया हमारे पास पूरी वैल्यूज यहाँ पर। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहीं पर हम निकाल लेते हैं PA साइन थीटा। तो PA साइन थीटा के लिए देखिए ध्यान से, PA साइन थीटा कितना था, 25.44, ठीक है, PA साइन थीटा वाला पोर्शन। अब देखिए यहां पर ध्यान से, यहां पर हमने टेबल को कर दिया खत्म। अब देखिए टेबल में डिस्टेंस फ्रॉम टो एंड, तो W1 की दूरी कैसे निकालेंगे हम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका, ठीक है, तो हर पोर्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना आपको आता होगा, तो अभी मैं निकालने बैठूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं लिख देता हूँ 2.075, ये आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका है 2.383, इसका है 1.075 एंड इसका है 1.25। सिमिलरली इसका W5 का है 1.5 और PA साइन थीटा का है 3 मीटर, ठीक है, टो के एस एंड पर, क्योंकि मान लीजिए ये पूरी ब्लेस स्लैब है, तो यहां से टो एंड से हम पूरा मूवमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो उससे दूरी हम लेते जा रहे हैं W1, W2, W3, W4, तो PA साइन थीटा जो होगा वो सबसे टॉप पे लगेगा, पूरा 3 मीटर की कॉर्नर पे। तो अब देखिए मुझे ध्यान से, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, 143 प्लस 7.3 प्लस 18.1 प्लस 6.5 प्लस 31.5 एंड 25.44, तो सिग्मा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 231.84 किलो न्यूटन, ठीक है। सिमिलरली मूवमेंट कैसे आएगा, 143 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला आएगा 296.725 और यहां पर आएगा 18.825, यहां पर आएगा 19.45, बस सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, यहां पर आएगा 8.125, यहां पर आएगा 47.25, यहां पर आएगा 77.7, इन सबको आपस में जब हम जोड़ देंगे तो यह आएगा 468 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, ये पूरा आ गया मेरे पास मूवमेंट। एक बार ध्यान समझ लीजिए, जो भी वैल्यूज हैं इनको ध्यान से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर मूवमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा। तो जब इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस है, रिस्टोरिंग मूवमेंट अबाउट टो हमने निकाल लिया, ये मूवमेंट हमारे पास सिग्मा में आ गया और फोर्स पूरे आ गए मेरे पास। तो इसके बाद नाउ FOS अगेंस्ट
overturning. FOS against overturning. इसका फॉर्मूला होता है रिस्टोरिंग मूवमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टर्बिंग मूवमेंट. ठीक है, रिस्टोरिंग मूवमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टर्बिंग मूवमेंट. ऑब्वियसली बात है, रिस्टोरिंग मूवमेंट ज्यादा होना चाहिए, डिस्टर्बिंग ज्यादा होगा तो फेल ही हो जाएगा. तो रिस्टोरिंग मूवमेंट का फॉर्मूला मैंने बताया था 0.9 इंटू डब्ल्यू, जो वेट आ रहे हैं. तो सारे वेट्स जो हमने जोड़े थे 468, रिस्टोरिंग डिस्टर्बिंग मूवमेंट कितना है 180 ना है, डिस्टर्बिंग मूवमेंट 181.69. ठीक है, ये हमारे पास आ गई 2.26 के आसपास आ गई. अब देखिए यहां पर एक चीज समझने की बात है, ये जो है बड़ा है दो से. दो हमने क्यों लिया, एज पर आईएस कोड 14458. ठीक है, और ये बड़ा है 1.4 से, मैंने एज पर बुक्स, आपकी बुक में यही दिया हुआ है 1.44. ये जो कोड है आईएस कोड 14458, ये कोड है रिटेनिंग वॉल का. रिटेनिंग वॉल के कोड में ये कहता है कि आपका जो ओवरटर्निंग मूवमेंट है वो 2 से ज्यादा आना चाहिए. तो यहां पर हमारा आ रहा है, अगर कभी भी किसी भी एग्जाम में आपको ऐसा कोई ऑप्शन आता है जहां पर ये पूछा जाता है कि 2 मानेंगे कि 1.4 मानेंगे, तो आप 2 पे टिक करेंगे. ठीक है, वही आंसर सही होगा, क्योंकि ये स्पेशली रिटेनिंग वॉल के केस में है. अदर कुछ और होगा, अगर ओवरटर्निंग की केस है कुछ और होगा तो 1.4 है और वही बुक्स लेकर चलती हैं. लेकिन एज पर रिटेनिंग वॉल कोड 14458 इट इज ग्रेटर देन 2. ठीक है, कुछ नया सीखने को मिले है ना, तो ध्यान रखिएगा. इसके साथ साथ नेक्स्ट हम निकालेंगे रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स फॉर्मूला बताया था म्यू एन, म्यू एन की वैल्यू 0.9 W, W वहां पर वेट है, और म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 0.5, एंड 0.9 इंटू 231.84. ठीक है, वेट के लिए तो यहां पर आ जाएगा 104.23 किलो न्यूटन. ठीक है, अब यहां पर हम निकालेंगे FOS अगेंस्ट स्लाइडिंग, क्योंकि फोर्स जो है वो स्लाइडिंग को ही वो करेगा. तो रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टर्बिंग फोर्स. तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना आ रहा 104.23, और डिस्टर्बिंग फोर्स आया है 94.96 जो हमने निकाला था. तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 1.1, जो बड़ा है 1.5 से. अब 1.5 वैल्यू कहां से आ रही, एज पर आईएस 14458 जो एक रिटेनिंग वॉल का कोड है, और 1.4 से ज्यादा है जो है एज पर बुक्स, जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है. तो आपको इसको फॉलो करते हुए चलना है, क्योंकि रिटेनिंग वॉल का कोड. अब देखिए यहां तक हमने क्या क्या किया, देखिए ध्यान से. हमने ये देखा कि क्या रिटेनिंग वॉल को वो मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, क्या मूवमेंट प्रोवाइड हो रहा है, क्या मूवमेंट में वो फेल हो जा रहा है. तो हमने देखा नहीं फेल हो रहा, मतलब वो ओवरटर्न नहीं हो रहा है. रिटेनिंग वॉल मान लीजिए ऐसे है, इधर सॉइल ने धक्का दिया तो ऐसे उठ नहीं जा रहा है टो के अबाउट, इसीलिए हमने टो से डिस्टेंस ली थी, टो के अबाउट उठ नहीं जा रहा है. लेकिन जब हमने ये देखा कि
कहीं ऐसी तो नहीं है, दो कंडीशन आती है, या तो उठा देगा या तो खिसका देगा। तो जो खिसकाने वाली कंडीशन है, स्लाइडिंग की कंडीशन जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, वहां पर आप क्या देख रहे हो यहां पर कि 1.1 मतलब इससे कम आ गई, मतलब ये फेल हो गया बुक के हिसाब से भी, और इससे मतलब अगर हम ऐसी डिजाइन करते हैं तो रिटेनिंग वॉल हमारी अपनी जगह से खिसक जाएगी या स्लाइड कर जाएगी, और लेकिन हमें स्लाइड होने नहीं देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, उसके लिए हम डिजाइन करेंगे एक शीयर की, शीयर की मैंने बताया था रिटेनिंग वॉल में, जो उसको नीचे की ओर दबाती है। तो यहां पर हमने हमारी जो रिटेनिंग वॉल है कुछ इस तरह है, ना? ठीक, इस तरह से कुछ रिटेनिंग वॉल है हमारे पास, और यहां पर सॉइल है हमारी, ठीक है, यहां तक सॉइल है, ये मान के चलते हैं यहां तक रिटेनिंग वॉल, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसके इस फेस से हम यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल कहां तक ड्रॉ होगा देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ये अब देखिए ट्रायंगल। अब यहां पर हम डिजाइन करेंगे एक शीयर की, शीयर की जो डिजाइन होगी, शीयर की आपको पता है इसके नीचे कुछ ऐसे, ठीक, ये यहां से यहां तक की हाइट है 300 mm, यहां से यहां तक की भी है 300 mm, ठीक है, 300 × 300 के हमने डिजाइन कर दी। अब ये कैसे डिजाइन की, ये एज एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर क्या होता है, ये कहीं पर भी इसकी डिजाइनिंग का फंडा नहीं है कि आप कितने की डिजाइन करेंगे, शेयर की आप, हमें इतना पता है कि इतना हम डिजाइन करेंगे तो सेफ हो जाएगा, ये एक्सपीरियंस से आता है। तो कितने पर ये हाइट जाएगी, ये देखिए दिस इज 30 degree फाई जो दिया, तो यहां तक हमने डिजाइन ये कर दिया, यहां से यहां तक की लंबाई आपको पता है 1.3 पर हमने डिजाइन कर दिया। अब देखिए यहां से क्या है, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, अब यहां पर आप देख रहे होगे एक थोड़ी सी हाइट मैंने छोड़ दी है, यहां से यहां तक की हाइट मैंने छोड़ दी है, ये हाइट है 300 mm, ये क्यों छोड़ी है, क्योंकि पिल्लई एंड मेनन बुक में छोड़ के रखा है, पिल्लई एंड मेनन आरसीसी की सबसे ऑथेंटिक बुक है, इसीलिए हम उस मैं उसी को फॉलो करता हूं, तो छोड़ के रखा है। उसका रीजन जो वहां पर दिया हुआ है वो ऐसा है, या फिर जो रीजन हम दे सकते हैं, कभी कभी क्या होता है कि किसी रस्टिंग या जैसे बाढ़ आए या पानी की वजह से, या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मिट्टी जो यहाँ की है जो पैसिव अर्थ प्रेशर दे रही है वो हट जाती है, या फिर क्या होता है कभी कभी खोदते 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 मजदूर इतना खोद देता है लेकिन रिटेनिंग वॉल से नीचे नहीं खोदता है, तो हम क्या करते हैं उतनी मिट्टी को पहले से ही हटा के चलते हैं कि इतने मान लो हटा दिया गया तो इसलिए, ठीक है। तो ये हमने लिया, तो इसका जो ये लगेगा दैट इज पीपी पैसिव अर्थ प्रेशर, और जो हाइट है इसकी पूरी यहां से यहां तक की, कहां से हम लेंगे हाइट, यहां से हम लेंगे, है ना, यहां से यहां तक की जो हाइट है दैट इज स्मॉल एच, ठीक है, स्मॉल एच कहां से है ये हाइट, यहां से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो 300 ऊपर से छोड़ा है वहां से है हाइट, तो हाइट नापने में हमें आसानी है। तो यहां का जो बेस है ये, सॉरी, तो इसका जो बेस है ये, उसका क्या होगा, के ए गामा एस
एच हाइट ये है, एच है स्मॉल एच, तो के ए गामा एस एच, ठीक है, ये 300 × 300। सो हम यहां पर लिख सकते हैं, सो प्रोवाइडिंग शियर की ऑफ साइज 300 × 300 at a distance of 1.3 meter from toe। ये देखिए 1.3 from toe हमने लिया, 1.3 लगभग हम यही कोशिश करते हैं कि हमारा ये जो स्टेम है इसी के नीचे आए, क्यों, क्योंकि हमें आगे की ओर जो छड़ है या फिर सरिया है या स्टील है उसको आगे हमें बढ़ा देना है, ठीक है, द प्रॉपर इंकरेजमेंट पे। तो जो स्मॉल एच है, जो स्मॉल एच है इसकी हाइट कितनी होगी, तो स्मॉल एच देखिए यहां से 1.25 पूरी, ठीक है, यहां से हमें ज्यादा जोड़ना है तो 1.25 माइनस 0.3, ये ऊपर वाला 300 घटा दिया, प्लस नीचे वाला 300 जोड़ दिया 300, एंड उसमें हमने जोड़ा ये नीचे वाला 30 डिग्री वाला, तो 1.3 tan 30, तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 2 meter, ठीक है। tan 30 अगर मैं करूंगा तो ये पूरी हाइट आ जाएगी, ये छोटी सी, यहां तक की तो हमें पता है और हमने ये निकाल लिया, ठीक है, क्लियर। अब हम फिर से निकालेंगे, लेकिन एक सेकंड, यहां पर के ए नहीं के पी होगा ना, क्योंकि यहां पर पैसिव अर्थ प्रेशर है, के पी। अब हमें निकालना है के पी, ठीक है, तो ध्यान से देखिए के पी का फॉर्मूला जो होता है पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए, दैट इज 1 + sin φ / 1 - sin φ, तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 3। अब पैसिव अर्थ प्रेशर जो पी पी है वो आएगा के पी गामा एस इंटू 2² - 0.95² घटा देंगे, ठीक है, एच के लिए घटा देंगे, डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से पी पी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 74.4 kN, ठीक है। सो यहां पर मैं बोल सकता हूं, सो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स इसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू एन प्लस पैसिव प्रेशर। सो म्यू एन कितना आया था हमारे पास, 104.32 हमने कैलकुलेट किया था पहले, और ये आया 74.7, जो अभी आया 74.4 या फिर 74.7, जिसको जब हम कैलकुलेट कर देंगे वो आ जाएगा 179.02 kN, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। इसके बाद हम निकालेंगे FOS अगेंस्ट स्लाइडिंग, क्योंकि स्लाइडिंग में फेल हो गया था तो हमने अभी शियर की डिजाइन की, अब फिर से हम निकालेंगे, तो 179.02 डिवाइडेड बाय 94.96, ये आ जाएगा मेरा 1.88, जो मैंने क्या बताया था 1.5 से ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा है सो इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज सेफ, ठीक है। वहां पर 1.1 आया था, यहां पर 1.5 से ज्यादा है तो 1.4 से तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा ही है। सो अगर मैं यहां पर देखिए ध्यान से, अगर मैं ये बोलूं कि जो प्रेशर ऑन सॉइल है, प्रेशर ऑन सॉइल, तो देखिए अगर मैं रफ डायग्राम एक बना के दिखाऊं आपको, देखिएगा ध्यान से, यहां पर क्या हो रहा है, एक फोर्स है जो उसको इधर की ओर लगा रहा है,
और दूसरा एक फोर्स है जो इधर की ओर लग रहा है, मूवमेंट, ठीक है। एक मूवमेंट उसको उठाने की कोशिश कर रहा, दूसरा उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा। जो उसको काउंटर कर रहा है वो आया 468 और जो उसको उठाने की कोशिश कर रहा है वो आया 186, ठीक है। और जो वेट है उसका, जो टोटल वेट है यहां पर W, वो आया है 232 किलो न्यूटन, ठीक है। तो हम यहां से निकालेंगे नेट मूवमेंट। सो नेट मूवमेंट विल बी इक्वल टू 468, अगर हम क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव लेते हैं, माइनस 186 एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो ये आ जाएगा 282 किलो न्यूटन इंटू मीटर। किस साइड में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन ज्यादा है, ठीक है। सो यहां से मैं लिख सकता हूं कि पोजीशन ऑफ W फ्रॉम टो, W जो वेट आएगा नेट वेट उसका, उसकी पोजीशन कहां होगी, दैट इज 282 डिवाइडेड बाय 232, ये आ जाएगा 1.21 मीटर, ठीक है। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि सो एसेंट्रिसिटी फ्रॉम मिड ऑफ बेस स्लैब, एसेंट्रिसिटी मिड ऑफ बेस स्लैब से भी कुछ होगी, सो दैट इज 1.5 माइनस 1.21 बेस स्लैब से, तो ये आ जाएगा 0.29 मीटर। अब हमें ये देखना है ये सेफ है कि नहीं, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, दैट इज ग्रेटर देन एल बाई सिक्स, मैंने बताई थी दूसरे लेक्चर में, एल बाई सिक्स इकोनॉमिकल कंडीशन के लिए। एल बाई सिक्स अगर मैं रखूंगा एल की जगह वैल्यू पूरी लेंथ, तो ये आ जाएगा 0.5, क्योंकि 3 मीटर की है तो 0.5। सो नो लिफ्टिंग, तो यहां पर नो लिफ्टिंग कंडीशन आ गई, ये भी हमारा सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। नो लिफ्टिंग कंडीशन तक यहां तक कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। तो इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद ये हमारा जो रिटेनिंग वॉल बना, ये कुछ इस टाइप से बना, रफ अगर मैं बनाऊं, देखिए ये कुछ इस तरह से बना, दैट इज W, और W कितनी दूरी पर है यहां से यहां तक, दैट इज फ्रॉम 0.29 है ना, यही वैल्यू आई है 0.29 मीटर, ठीक है। कहां से 0.29 मीटर, कहां से, यहां से नहीं, 0.29 मीटर है फ्रॉम अ पॉइंट, यहां से यहां तक की दूरी है 0.29, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी है 0.29, और ये दूरी कितनी है, यहां से 1.5 मीटर, यहां से 1.5 मीटर, ठीक। तो सिग्मा मैक्स एंड मैक्सिमम और मिनिमम अगर मैं निकालूं, तो फॉर्मूला है W by A प्लस माइनस W E by I L by 2। देखिए ध्यान से, W कितना है 232, एरिया कितना है 3 into 1, ठीक है, प्लस माइनस दोनों में वैल्यू हम निकाल लेंगे, 232 इंटू 0.29 डिवाइडेड बाई आई 1 इंटू
3³/12, ठीक है, एंड Ly₂ 3/2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरी वैल्यू आएगी 1.225 प्लस रखने पर 122.5 किसको रखने पर, प्लस रखने पर, और माइनस रखने पर 32.76, जो वैल्यू 160 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम है। सो यहां पर हमारी जो रिटेनिंग वॉल है ये पूरी तरीके से सेफ हो जाती है, ठीक है। सो ये पूरा एक न्यूमेरिकल है रिटेनिंग वॉल से रिलेटेड, मैंने काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता आपका तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आगे हम लोग इसी की तरह से, जो भी आपको डाउट है कोई और सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।